हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। कई पेरेंट्स इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं स्टडीज में। तो पहला तरीका, हमेशा बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर दीजिए। कभी भी बच्चे को ये मत बोलिए कि तुम्हें अभी इतना सारा होमवर्क करना है। नहीं, हमेशा बच्चे को बोलिए, बेटा अभी तुमने हिंदी का होमवर्क करना है, इंग्लिश का होमवर्क करना है, मैथ्स का होमवर्क करना है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को बताइए ताकि बच्चा उसमें कॉन्सेंट्रेट कर सके। जब हमें कोई बोलता है ना, अभी तुमने झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, बर्तन भी धोना है, खाना भी बनाना है, तो हमारा भी मन नहीं करता। देखिए, होता यही है बच्चे के साथ भी। जब मैं उसे इतने सारे काम एक साथ बताती हूँ ना, तो उसका किसी को भी करने का मन नहीं करता। तो हमेशा बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर दीजिए ताकि बच्चा उसमें अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करे। दूसरा तरीका भाई, बच्चों के लिए जब भी आप टॉयज लेते हैं ना, मैं हमेशा प्रिफर करती हूँ कि साउंड वाले टॉयज को आप अवॉइड करें। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इस चीज के लिए कि कैसे टॉयज आपको लेने चाहिए। साउंड वाले टॉयज को हमेशा अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, वो बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन खत्म कर देती है। जैसे बच्चा एक साउंड को सुनता है, फिर वो दूसरे पे चला जाता है, फिर वो तीसरे पे चला जाता है, वो एक पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। इसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हो जाता है कम। तो कभी भी बच्चों के लिए इस तरीके के टॉयज मत लीजिए जिससे उनका कंसंट्रेशन लेवल कम हो रहा है। ऐसे टॉयज लीजिए, एजुकेशनल टॉयज। जब आप एजुकेशनल टॉयज की शॉप पे जाते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन रिलेटेड टॉयज आप मुझे दिखाइए। तो कई टॉयज ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनसे बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन बूस्ट होता है। तो इस तरीके के टॉयज बच्चों के लिए लीजिए। तो साउंड वाले टॉयज को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए अगर आपके बच्चे को कॉन्सेंट्रेशन में है प्रॉब्लम। तीसरा तरीका, अगर आपके बच्चे को है कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम और वो स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उसके टीवी और फोन के टाइम को थोड़ा कम कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल फोन और टीवी पे बच्चे को इतने सारे ऑप्शंस एक बारी में मिलते हैं कि वो किसी भी एक चीज को देखता नहीं और कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। एक टीवी देख रहा है, 10 मिनट के बाद वो दूसरा चैनल चलाता है, फिर तीसरा चैनल चलाता है, वो किसी भी एक चैनल पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो टीवी और फोन जो है वो बच्चे का टाइम या तो कम कर दीजिए या कुछ टाइम के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई करते वक्त इधर उधर देखने लगता है या पढ़ाई नहीं करता है, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बच्चे को स्टडी टेबल लैंप के थ्रू करवाइए। टेबल पे स्टडी टेबल लैंप जो होता है वो जलाइए और रूम की सारी लाइट्स को ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होता है, इससे बच्चे को सब ब्लैकआउट हो जाता है और उसको ना चाहते हुए भी सिर्फ उसी लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है और अपनी बुक पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो ये होता है सबसे बेस्ट तरीका अगर आपका बच्चा पढ़ाई करते वक्त इधर उधर देखता है या इधर उधर ध्यान रखता है। बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे हम घर की चीजों से ही बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा और उन टिप्स को जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि उससे बच्चे के कंसंट्रेशन में होती है बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा अगर आपके पास टॉर्च है या कोई भी ऐसी लाइट है, जैसे लेजर लाइट पहले होती थी, वॉल पे उसे चलाइए और बच्चे को बोलिए उस लाइट को पकड़ने के लिए। बच्चे को बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है किसी भी चीज को या किसी लाइट को पकड़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करने का। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो रहे आपके लिए यूजफुल, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, किड्स कलरिंग फन के नाम से है मेरा पेज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।